सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबास तोफिक, सेकेंड ईयर MBBS। और आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर मैं आ चुका हूँ आसाम के नीट 2024 के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो देने वाले थे आसाम गवर्नमेंट, 5% रिजर्वेशन इन द 85% स्टेट कोटा ऑफ आसाम, उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है रिगार्डिंग लाइक नीट 2024 के बारे में। क्या क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, और लाइक NTA ने क्या एक्शंस लेगा अभी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे इसी एक वीडियो में। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना और उसके बाद पढ़ाई करने लग जाना या जो भी तुम्हारा मन हो, ठीक है। सो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर MBBS BDS में आसाम के जो गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें 5% रिजर्वेशन दिया जाने वाला है आसाम गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस प्रोफेशनलाइज्ड कॉलेज अंडर सेबा एंड एससेक, ठीक है, इसके अंडर दिया जाएगा, वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उसके बाद क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक जिन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में अंडर सेबा मतलब क्या बोलते हैं उसे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, और क्लास 12 और क्लास 11 जिन लोगों ने एससेक के अंडर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है उसके अंडर जिन लोगों ने लाइक पढ़ा था उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। सो दे आर डायरेक्टेड टू अप्लाई इन द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम मतलब DME आसाम में जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेशनलाइज्ड कॉलेज ऑफ आसाम इंटीग्रेटेड, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी ये जाके आप लोगों को स्कूल में जाना होगा और स्कूल में जाके ये आपको फिलअप करके ये आपको साइन लेना होगा, ठीक है। सो डेट मतलब ये प्रूफ है कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े थे। उसके साथ में आपको लाइक डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब एंड प्रोफॉर्मा मतलब अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी देना होगा और 25 जून तक ये देना होगा, दैट इज द लास्ट डेट। इसके बारे में हम बात कर लेंगे, उससे पहले आप अच्छे से चीज़ को देख लो। आसाम गवर्नमेंट स्कूल कोटा है 5% का, वो 5% सीट्स आता है आसाम के स्टेट कोटा से। स्टेट कोटा में 85% सीट्स है, मतलब 1337 सीट्स है स्टेट कोटा में, उसमें से ये 5% आता है, ऑलमोस्ट 80 सीट्स है ये। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक जिन लोगों ने सेबा मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम या एससेक मतलब आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल 11 एंड 12 जिन लोगों ने एससेक के अंडर किया था उन लोगों को ही ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। आसाम के मतलब गवर्नमेंट के अंडर जिन लोगों ने पढ़ा था ओनली दे आर एलिजिबल फॉर दिस। सो बहुत लोग मुझसे ये डाउट पूछ रहे थे कि JNV या KV या कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, जो भी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है, आर दोज एलिजिबल? नो, दे आर नॉट एलिजिबल। ओके, JNV KV दे अंडर कम अंडर CBSE, और CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाता। आसाम गवर्नमेंट हैज़ नो मतलब कोई भी रोल नहीं है उसका, सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिजर्वेशन कोटा। और डॉक्यूमेंट्स जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी चाहिए होगा, नीट 2024 एडमिट कार्ड, नीट 2024 स्कोर कार्ड और PRC ऑफ आसाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PRC इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को कि जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, मैं इस पर एक वीडियो डेफिनेटली लाऊंगा आप लोगों के लिए, पर आप लोग जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, PRC आपको चाहिए होगा। और लास्ट डेट 25th of June है, सो लेट मत करना, और ऑफलाइन आपको जाके DME आसाम के ऑफिस में जो गुवाहाटी में लोकेटेड है वहाँ जाके आपको ये करवाना होगा इसीलिए कर लेना, ठीक है। और ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको ऑफलाइन ही करना होगा, ईमेल और पोस्ट से ये लोग नहीं मानेंगे। और ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी जो है, इसमें आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम आपने लिख दिया, फादर्स का नाम पता होगा, मदर्स का नाम पता होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही लिखना है आपको, और नेम ऑफ द कॉलेज ऑफ स्कूल सेपरेट, ये यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, सेपरेट सर्टिफिकेट इन दिस फॉर्मेट शेल टू बी सबमिटेड इफ स्टडीड इन मोर देन वन स्कूल और कॉलेज। सो आप लोगों ने अगर 10th तक एक कॉलेज में किया है, 10th तक एक स्कूल में किया है और 11th 12th दूसरे कॉलेज में किया है, तो आप लोगों को दो सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ओके, नेम ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज आपको लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने किया था, आसाम के अंदर ही होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ द अबव नेम कैंडिडेट्स पर्सन हैज स्टडीड इन दिस कॉलेज स्कूल इन व्हिच इज अ गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज प्रोविंशियलाइज्ड कॉलेज एंड हीज और हर पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग हीज और हर स्टडी इन द स्कूल और कॉलेज एज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड आर एस गिवन बिलो। सो उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन आप लिखेंगे, क्लास इन व्हिच एडमिटेड मतलब पहली बार आप लोगों ने एडमिशन किस क्लास में लिया था और किस क्लास में छोड़ा था, डेफिनेटली क्लास 12 होना चाहिए, या अगर ऐसा भी हो सकता है आप 1 से 10 आपने एक स्कूल में किया था, उसके बाद 11 से 12 आपने दूसरे स्कूल में किया था, सो इसके लिए आपको दो ये ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। रीजन फॉर लिविंग स्कूल, ये अगर 1 से 10 में बोलूँ तो कंप्लीटेड कोर्स होगा, और 11 से 12 अगर मैं बोलूँ तो मतलब ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर टू अदर स्कूल, ठीक है, उसके बाद तो हम लोग ट्रांसफर ही ले लेते हैं ना, नॉर्मल चीज़ है। डेट ऑफ लिविंग स्कूल आप लोगों ने लिख दिया होगा, फुल सिग्नेचर, हाँ इधर आप इधर देखना, हेडमास्टर या प्रिंसिपल का साइन चाहिए होगा, उसके बाद सील चाहिए होगा, ठीक है, सील ऐसे गोल होता है वो सील चाहिए होगा, फुल नेम ऑफ हेडमास्टर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हेडमास्टर, सिग्नेचर एंड सील ऑफ, ये दूसरा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सिग्नेचर एंड सील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाई DAC आसाम, मतलब एक ऑफिस मतलब एक ऑफिसर होगा DME आसाम में ही, वो जाके आप मतलब आपको अपना उसका सिग्नेचर देगा, उसका सील देगा जब वो आपका डॉक्यूमेंट को वैलिड मतलब वैलिड
करेगा, ठीक है, वैलिड क्या बोलते हैं उसे, प्राप्त करेगा। सो ये याद रख लेना आप लोग। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि FAQ, NTA ने 12 तारीख को, मतलब कल परसों का, कल बोल रहा हूँ, कल एक FAQ रिलीज़ किया था रिगार्डिंग नीट 2024 की, कैसे नीट 2024 में सारे रेगुलरिटीज़ उन लोगों ने सही किए थे। आप देख सकते हो कि इसमें कुछ FAQs का, मतलब उन बहुत सारे क्वेश्चंस का उन लोगों ने लाइक सवाल जवाब किया था और आंसर्स दिया था। सो मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था, आप लोग खुद पढ़ सकते थे। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि मतलब NTA ने ये बोला है कि, मतलब NTA ने ये बोला है कि पेपर लीक नहीं हुआ था बिहार और गोड्रा में जो हुआ था, इट वॉज नॉट ए पेपर लीक, इट वॉज चीटिंग और इम्पर्सोनेशन। और सवाई माधोपुर में जो भी हुआ था वो भी मतलब उनके दायरे के अंदर ही था, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और उसके बाद पेपर सोल्वर गैंग अगर है तो मतलब वो लोग उस पर एक्शंस लेंगे एंड लाइक उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे या उनके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा बाय पुलिस। सो यही सब बोला था। और एक लास्ट में ये भी बोला था कि एक हाई पावर कमेटी, जो उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि एक हाई पावर कमेटी, मतलब एक 4 मेंबर का कमेटी फॉर्म हुआ है, जो 1563 कैंडिडेट्स जो थे जिन लोगों को ग्रेस मार्क मिला था उसके इशू के ऊपर वो लोग जांच करेंगे। सो उन लोगों ने जांच किया और जांच करने के बाद आज ये पता चला कि जो लाइक सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने जाके लाइक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, लाइक NTA ने ये प्रस्ताव रखा सुप्रीम कोर्ट को कि 1563 कैंडिडेट्स जिन लोगों को ग्रेस मार्क मिला था उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए और उनको फिर से री एग्जाम या रीनीट दिया जाए, ठीक है। सो दिस इज वॉट लाइक NTA डिड, हु गॉट ग्रेस मार्क्स 1563, रिजल्ट विल बी कैंसल्ड एंड री एग्जाम फॉर देम ऑन 23rd जुलाई इफ दे अपेयर। अगर वो लोग अपेयर करते हैं इस 23rd जुलाई वाले एग्जाम में तो उन लोग को लाइक जो मार्क्स उस एग्जाम में मिलता है वही लिया जाएगा 23rd जुलाई वाले एग्जाम में, और जो 5 मई वाला एग्जाम था जिस दिन नीट हुआ था वो वाला मार्क्स कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर वो लोग नहीं अपेयर करते हैं तो 5 मई को उनको एक्चुअल में जो मार्क मिला था ग्रेस मार्क के, मतलब विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स, एक्चुअल में ओरिजिनली उन लोगों ने जो स्कोर किया था वही उन लोग का स्कोर बन जाएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग NTA ने एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया है, आप देख सकते हो यही पब्लिक नोटिस है, रिकंडक्ट ऑफ नीट UG फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट्स। सो हाई पावर कमेटी बना था, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेटअप द एग्जामिन टू इशू द ग्रांट ऑफ कंपेंसेटरी ग्रेस मार्क जो है टू 1563 कैंडिडेट्स, वो उस इशू को एड्रेस करने के लिए। सो उन लोगों ने ये बताया कि 23rd जून को उनके लिए, उन सभी के लिए री एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। और ये री एग्जाम बिकॉज कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया गया था जो उनके हिसाब से गलत था, ठीक है। सो NTA एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक कि ये जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया गया था ये गलत था, और 23rd जून को ये एग्जाम होगा 2 से 5:20, और जो रिजल्ट होगा 30 जून को आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6th ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 6 जुलाई से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये NTA का मतलब रूटीन यही है कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लाइक जो भी काउंसलिंग का डेट है वो चलता जाना चाहिए, काउंसलिंग में कोई भी रोक टोक नहीं आना चाहिए। अगर बाद में कोई इशू ऐसे उठा कि पेपर लीक का इशू या ग्रेस मार्क बहुत लोगों को दे दिया था, सिर्फ 1500 को नहीं दिया था, तो उस पर वो लोग एक्शंस कंप्लीटली लेंगे। पर जितना भी देर भी हो, मतलब ये केस जितना भी लंबा चले, काउंसलिंग चलते रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए काउंसलिंग इस साल बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, आसाम में भी काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर 6 जुलाई ऑल इंडिया कोटा में स्टार्ट हो जाता है तो उसका मतलब यही है कि उसके नेक्स्ट वीक, मतलब आप बोल सकते हो 8 से लेकर 14 जुलाई तक आसाम का काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लो, अगर जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किया है अब तक, आप रेडी करके रख लो, और बाकी सब भी आप लोग रेडी करके रख लो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। सो यही इन लोगों ने बताया कि री एग्जामिनेशन जो है इट विल बी वैलिड ओनली फॉर द 1563 कैंडिडेट्स, और उन लोगों को जो एक्चुअल स्कोर है उन लोगों का वो रजिस्टर्ड ईमेल ID के थ्रू उन लोगों को भेज दिया जाएगा, और उसके बाद उन लोगों के लिए री एग्जामिनेशन होगा। और रिजल्ट जो है, अगर हाँ ये मैंने वही बात बताया कि डू नॉट विश टू अपेयर, दो वो प्रीवियस रिजल्ट को मान लेंगे विदाउट ग्रेस मार्क्स, और अगर दे अपेयर देन द रीटेस्ट वाला जो मार्क्स उन्हें मिलेगा वही वो लोग मान लेंगे, और उसके लिए फ्रेश स्कोर कार्ड दिया जाएगा। आप बोल सकते हो यही सब NTA ने बताया है अभी तक। सो मेरा बीच में एग्जाम चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर इन टॉपिक्स पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, शायद आप लोगों को अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।